फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी कोट पैंट थ्री पीस बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार मानवता के हक में आप देख रहे मानव समाचार। आपका मानव समाचार में स्वागत है। मैं दादा मोरे। आज की ताजा खबर जानना। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की एक नई पहल। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जालना शहर में विभिन्न अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दो दिन पहले मंगल बाजार इलाके में दो गुटों के बीच हुई झड़प में 5 से 7 युवक घायल हो गए थे। पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पुलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन, राहुल खाड़े उप विभागीय अधिकारी सचिन सांगले के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियां की है। इस पहले बुलेट ट्रेन से सड़कों पर गश्त की पहल की जा चुकी है। हालांकि शहर को आतंकित करने वाली सामूहिक झड़पों, पथराव और खुलेआम तलवारें ले जाने की घटनाएँ कम होती नहीं दिख रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर महाजन ने गश्त कर रहे हैं। पुलिस वाहनों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सीमा क्षेत्र में कोई गलत कार्य या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से वो उक्त पहले क्रियान्वित की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए महाजन ने कहा कि अगर गश्त के दौरान इलाके में कोई दुर्व्यवहार या अवैध गतिविधियां पाई गई तो पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई की जाएंगी। पुलिस की ओर से नागरिकों को कैमरे लगे वाहनों पर भी नज़र रखने की अपील की जा रही है। नागरिकों को से आग्रह किया जाता है कि वे कोई दुर्व्यवहार या कानून व्यवस्था का उल्लंघन देखते हैं तो पुलिस से संपर्क करें। पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन ने विश्वास जताया है कि इस गतिविधि से कानून व्यवस्था कायम रहेगी। ऐसी ताजा खबर देखते रहिए मानव समाचार पर सबसे तेज सबसे आगे। सीसीटीवी कैमरा लावण्याचा हा जो उपक्रम आहे आणि कल्पना तुम्हाला कशी सुचली आणि हा काय उपक्रम आहे? काल दिनांक 27/8/2023 रोजी 2 गटामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मारहाण झाली। त्याच्यामध्ये 3 ते 4 लोक हे अतिशय गंभीर प्रमाणात जखमी झालेले आहेत आणि 2 गटामध्ये तणाव झाल्यानंतर तेथील परिस्थिती ही पोलिसांनी तात्काळ पोहोचल्यामुळं आटोक्यात आणली आणि मोठा संघर्ष त्यामध्ये टळलेला आहे। येणारे सण आणि उत्सव हे शांततेत साजरे करावेत लोकांनी, तसेच कायदा व सुव्यवस्था कुणी हातामध्ये घेऊ नये याकरता आम्ही पोलीस वाहनावरती एक कॅमेरा बसवलेला आहे, जेणेकरून काही गैरकृत्य किंवा आझाद मैदान किंवा इतर मैदानावरती काही लोक दारू पिण्यासाठी सुद्धा बसतात तर अशा लोकांवरती अंकुश ठेवण्याकरता आम्ही पोलीस स्टेशनच्या गाडीवरती एक कॅमेरा बसवलेला आहे आणि यामधून आम्ही गुन्हेगारांवरती नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करू आणि जे समाजकंटक कायदा व सुव्यवस्था हातात घेतील तर त्यांच्यावरही आमची नजर राहील। हा उपक्रमाचा हा उद्देश आहे।